नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच क्लास 24 आपनो राजस्थान, डेट इज थारो राजस्थान, मारो राजस्थान, आपा सगड़ारो राजस्थान। और प्यारे बच्चों, सीईटी जो एग्जाम है उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जी हाँ साथियों, सीईटी एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और बोर्ड ने एक मतलब अलग अलग ABCD इस तरीके का पेपर आता है, लेकिन बोर्ड ने एक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर बनाया है और उसके अकॉर्डिंग आंसर की जारी करी है। तो आज की क्लास के अंदर हम अब आपको रूबरू करवाएंगे उन प्रश्नों से जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस सेशन को सभी जने लाइक करिए, ठीक है, कि किस तरीके से सीईटी के अंदर आपने क्या स्कोर करा है, क्योंकि सीईटी बेटा बहुत सारे एग्जाम को पास करने का मूल मंत्र है। ठीक है, हमारे साथ में सारे बच्चे जुड़ जाइए, इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अधिकाधिक साथियों के साथ में शेयर कीजिए। मैं और मेरे साथ में है प्रदीप सर, हम दोनों मिलकर आपको चारों पेपरों की मतलब चारों शिफ्टों में जो पेपर हुए थे उनके आंसर की बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने मंच पर। तो सबसे पहले सर से जानते हैं कि आंसर की का क्या महत्व होता है। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल में जो बच्चे अदर जो वैकेंसी की तैयारी करेंगे, 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा। तो पहले सबसे पहले उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या वो उस उम्मीद पर खरा पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि आज ही कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि सर मेरे 90 सही हो रहे हैं, सर मेरे 100 सही हो रहे हैं, मेरे 110 सही हो रहे हैं, मेरे 80 सही हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात हो रही थी तो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है कि अब आप लोग कन्फर्म हो जाओगे इससे कि हाँ आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार से किस लेवल पर करनी है, क्योंकि आप अपने आंसर की को अच्छे से मिला पाओगे। बिल्कुल, देखिएगा इस सामने आपके प्रश्न पत्र है और इसका आंसर सर ये रहा। ठीक है, आप आंसर बताते जाइएगा, मैं नोट करता जाऊंगा। ओके सर। ठीक है बच्चों, सभी का सभी इस सेशन को शेयर करें बहुत शानदार तरीके से। अगर आपका प्यार रहा तो चारों पेपरों के आंसर की हम बता देंगे और जहां जहां एक्स्ट्रा नॉलेज देने की आवश्यकता होगी वहां भी दे देंगे। चलिए सर, सबसे पहले ये पहली शिफ्ट का पेपर था, जो पहले दिन की पहली शिफ्ट का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, चलिए इस पेपर को हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो ये आपको पेपर था, ये ओरिजिनल पेपर था। पहले प्रश्न का आंसर बताइए सर, बी ऑप्शन बना है सर इसके अंदर। कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता या देसी राज्य सुमेलित नहीं है, इसका आंसर क्या माना है सर? इसमें हरिमोहन माथुर, हरिमोहन माथुर करौली से संबंधित नहीं है। दूसरा प्रश्न सर, दूसरा प्श्न चलिए, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? और बेटा इसका ऑफिशियल आंसर माना गया है बी, यानी कि 1928 के अंदर। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। तीसरा प्रश्न आया था 1857 की क्रांति के समय दौरान जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो बेटा इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, विलियम ईडन। बिल्कुल, विलियम ईडन को इसका आंसर माना है। देखो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाकी एग्जाम दे रहे हैं उनके भी, क्योंकि इसमें आपको पूरा पेपर करवा रहे हैं विद आंसर की। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? बिल्कुल, इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि कराने वाला अधिकारी था? चार्ल्स मेटकॉफ। और बच्चों इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, मेटकॉफ सर, मेटकॉफ है ना। चलिए शेयर भी करते रहिए प्यारे बच्चों सेशन को। उसके बाद में सर क्वेश्चन नंबर 6 है, हुंडली अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई? बेटा इसका आंसर है माणिक्यलाल, नहीं छठे का बी है, हरिबाहू उपाध्याय। बिल्कुल, ठीक है, हरिबाहू उपाध्याय, हरिबाहू उपाध्याय। विजय सिंह भी बताते रहिए कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपने कौन सी शिफ्ट का दिया है, सारा आंसर चेक कराया जाएगा इस शिफ्ट के अंदर। ठीक है, चलिए, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोले किसान आंदोलन का प्रचुर प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? प्रताप, इसका आंसर क्या होगा? प्रताप। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, अधोलिखित कथनों को सर्वाधिक पूर्वक पढ़िए, सावधानी पूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश में हितेश्वरी
सभा की स्थापना की गई। सभा के मुख्य उद्देश्य समाज सुधारक था। ये दोनों ही स्टेटमेंट प्यारे बच्चों सही है, दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न। 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? बेटा ये जो हमने आंसर बताया था वही आया है, ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, 90 का ए। चलिए निम्नलिखित में से ठिकानों में से किसने चौरीकर लगाया? बेटा इसका आंसर होगा बिजोलिया, बिजोलिया के अंदर चौरीकर लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महर्षि प्रसिद्ध है किसके लिए? बेटा इसका आंसर होगा सोने की चित्रकारी के लिए। चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? मंगलूणा गांव। 12वें प्रश्न का आंसर क्या है? बी। आप लोग बताइए कि आपके पेपर कैसा हुआ, आपने आंसर मिला लिए, नहीं मिला है तो मिला लीजिए, चारों शिफ्टों के आंसर करवाए जाएंगे। कहाँ पर? क्लास 24 आपका राजस्थान। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल स्थान है सर हमारे प्यारे उदयपुर के अंदर। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? बेटा ये होता है झालरापाटन। कई बच्चे झालावाड़ करके आ गए होंगे जो गलत कर दिया। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1949। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शुक्र तालाब किस किले के अंदर स्थित है? 16वें का आंसर बी, नागौर के अंदर है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इस पेपर को। 17वां प्रश्न। लोद्रवा प्रसिद्ध है? लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? 17वां में है, जैन धर्म से रिलेटेड है, जैनियों के लिए। साहिबीन दीन नामक पत्रकार चित्रकार को मेवाड़ की किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? 18वें प्रश्न का आंसर है महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। देखिए जो ऑफिशियल आंसर की आई है आपके अधीनस्थ बोर्ड की, वो हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। सभी बच्चों का जल्दी जल्दी आ जाइए और देखना आपके सीईटी 12वीं के अंदर इससे कम से कम 10 प्रश्न आएंगे आज की क्लास के अंदर से। चलिए फलकू भाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फलकू भाई चरी नृत्य करती थी, चरी, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? बताइए सबसे पहले बेटा खड़ताल सबसे अलग है, मशक सहनाई अलगोजा एक जैसे हैं। निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह भारत को कारावास दिया गया? बेटा बनारस के अंदर षड्यंत्र हुआ था, बनारस षड्यंत्र मुकाबले में प्रताप सिंह भारत को जेल की सजा हुई थी। ठीक है, चलिए सर आप यहां हो तो कहां होंगे बेटा हम। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है? बेटा याद रखना रमझोड़ कलाई के अंदर सम्मिलित नहीं है। श्रीधर अंधारे किस चित्र शैली के प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बेटा देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे शेयर करिए, सम्मिलित कीजिए। बेटा सम्मिलित करना था करणी माता, सकराय माता, आई माता, नारायणी माता, और इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि आज हमें बहुत सारे प्रश्न बताने हैं। 24वें का सी। ठीक है, यानी कि पहले का चौथा, करणी माता चारण की, सकराय माता खंडेलवाल की, आई माता सिरवी की, नारायणी माता नाई की। चलिए अगला प्रश्न। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? सर ये 14 खंडों में विभक्त है। गोविंद देव मंदिर जयपुर में मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? बेटा ये संबंध है आपके गोड़ीय संप्रदाय से। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी का चूटिया किसको संबोधित करके लिखा? महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था बेटा, महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है? जोधपुर का महामंदिर बेटा आपके नाग संप्रदाय का, जिसके योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला। बडार क्या है? बडार तो बेटा शादी से रिलेटेड है। ठीक है, ये मुझे भी याद है, 29वें प्रश्न का आंसर होगा विवाह पर आयोज्य भोज्य। ठीक है, शादी पे जो जीवड़ा होता है डेट इज कॉल्ड बडार। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है ये बताना आपको? बेटा ये पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई का नहीं है, ये जयानक का है। पृथ्वीराज विजय जयानक का है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बच्चे आप भी आंसर दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपने जो आंसर किया आपको लगा कि सर इसमें तो ये होना चाहिए था, ये कैसे मान लिया, तो आप बता सकते हो हमारे को। ठीक है, हो सकता है कि उसके ऊपर हम बच्चों को सजेस्ट करें और उसके ऊपर रिट भी लगाई जा सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों मैं बार बार कहता हूँ पुराने पेपर सोल्व करा करिए, पुराने पेपर से परीक्षा में न जाने कितने प्रश्न। मोमती रामक कविता संग्रह के रचयिता है?
मुक्ति, मैंने आपको बताया था बेटा ये मिथेश निर्मोही की कविता है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बेटा खोएतू कहा जाता है, कैच ओ बाय एशियू। चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाला देवता कहा जाता है 33वें कल्ला जी को। कल्ला जी, क्या बात है, भूगोल वाले सर ने इतिहास का एकदम सही आंसर बताया। चलो आगे बढ़ो बेटा, अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं फिर अगला। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? सुहरावर्दी, सुहरावर्दी। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? बेटा ये जालौर के अंदर है। यदि भारतीय मानक समय IHT को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसमें काफी बच्चों ने गलत कर दिया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बच्चे यहाँ पर सीधा सर इसको समझ गए थे। ठीक है ना, तो बच्चों ये देखो आपकी मैंने यहाँ पर भेड़ अच्छी वाली बची है जिन बच्चों ने इसको पर ध्यान नहीं दिया था। कहा भी था कि इसमें आप लोग ऐसी गलती करोगे। बताओ बेटा किस किसने गलती करी है? बैंकर वाली करी सर। भारत में शुष्क क्षेत्र में कृषि की जाती है 35 से 75। बिल्कुल बिल्कुल, इनके ने तो आंसर बताने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया योजना आयोग ने। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे कृषि आयोग करके आए, मुझे ध्यान है। योजना आयोग, इसका आंसर मैंने बताया भी था आप लोगों को। इसका मतलब इस बार घुमा के दिए हैं, काफी कहा था मैंने बच्चों को। चलो भाई, भारत की प्रथम जैतून रिफाइन राजस्थान की स्थापित की गई? लूणकरणसल। जहाँ पर मूंगफली का संबंध है बीकानेर में स्थित है। भाई चलो आगे, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है? बिल्कुल कर्नाटक में होती है सर, रागी कर्नाटक में होती है। निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ये 41वां का कुमारी मध्य प्रदेश की नहीं है, ये कुमारी कर्नाटक की है शायद मेरे हिसाब से। कर्नाटक की है, याद रखना। पाक स्ट्रेट अवस्थित है? पाक स्ट्रेट मुझे भी याद है, भारत श्रीलंका की। बिल्कुल, भारत और श्रीलंका की, जिसे पाक जल डमरू भी अपन कहते हैं। निम्न में लिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? बेटा ये भारनेर सतपुड़ा का भाग नहीं है। बिल्कुल भारनेर आएगा सर इसमें। भारत के किस राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? वनों का क्षेत्रफल मिजोरम में होगा। हाँ, वन सर्वाधिक एमपी में और क्षेत्रफल पूछने पर जो प्रतिशत पूछने पर मिजोरम। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम 45वें का है, कावेरी। बिल्कुल कावेरी पर है और इसके श्रावती बच्चे करके आ रहे थे। श्रावती पर जोग जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा है। आगे चलते हैं। निम्न में से राजस्थान किन जिलों के समूह मुख्य कचारी मृदा पाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा और बूंदी। कचारी मर्दा, यहाँ पर थोड़ा सा मामला बच्चा कह सकता है कि कचारी का संबंध भरतपुर और धौलपुर से भी है, तो ध्यान रखना इस चीज का। विशेष रूप से आप लोग यहाँ पर रिट लगा सकते हो। 46 क्वेश्चन आपके लिए रिट योग्य है। ठीक है, रिट योग्य प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न हमने रिट योग्य आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना ना, सही है, दुनिया अच्छे करके आई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, चलो एक बात बताओ सर इसके अंदर, इसमें राष्ट्रीय औसत की कितनी बताई इसने, 15 बिंदु से कम, तो 6 बिंदु से तो अधिक हुआ ना या 11 बिंदु से तो अधिक हुआ ना? चलिए देख लेते हैं भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 का। चलिए सर आप बताइए आप। चलिए तो बच्चों, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत है? मेरा इसका आंसर है 13.5। बिल्कुल 13.5। देखो ये जो प्रश्नों में आपको विवाद है ना, उस प्रश्न को हम अलग से सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आपको चारों पेपर सोल्व करवाना है 1 घंटे के अंदर अंदर। इसरदा बांध परियोजना किस राज्य में निर्मित किया गया है? इसरदा किसमें किया गया है? माधोपुर। ठीक है, ये 49वें का ए, टोंक और सवाई माधोपुर। मैं आपको ऑफिशियल आंसर की ही बता रहा हूँ और सर आपको साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? उड़िया लसाड़िया रासम। बिल्कुल लसाड़िया रासम, उदयपुर जैसमंद झील के किनारे बेटा। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में इंसेप्टिव सोल्स मर्दा पाई जाती है? ये पाली भीलवाड़ा सिरोही के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। कौन सा खनिज की बात करें सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा 52वें का आंसर सी, ताम्रा काला गुमान। ताम्रा टोंक राजमहल में पाया जाता है सर। हमारे साथ में प्राही, आरती और सुमन जुड़ चुकी है, यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी नारी शक्ति बहुत सजग है। छोरे तो क्या करते रहता है पता ही है सबको। सेरनिया, सेरनिया है सब, राजस्थान की सेरनिया है। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ बेटा सवाई माधोपुर में। शेरगढ़ 12 में है सर, क्या कर रहे हो आप?
बी ऑप्शन होगा पत्र सॉरी 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 12 के अंदर है ठीक है सर। और क्वेश्चनों के आंसर तो सही बता रहे हो ना ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा 54वें का भी बी है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। बिल्कुल अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बेटा इसमें जोधपुर दे 100% जोधपुर सही है सर। आगे चलो। चलिए तो सर सिर्फ एक ही प्रश्न है जिसमें राजस्थान में कौन सा जिला जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है 2011 के अनुसार? 56वें का आंसर है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। बिल्कुल सर बी ऑप्शन आपका परफेक्ट है यहाँ पर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2010। बिल्कुल सही है सर। राजस्थान की किस भाग में मक्का सर्वाधिक उत्पादित होती है? मक्का सर्वाधिक कहाँ होती है बेटा? 58वें के ए में, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व में, साउथ एंड साउथ ईस्ट। हमारे साथ में कौन कौन जुड़ चुके हैं? मनोहर, किरण, एके कुमावत, मनोहर लाल, सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। आज आपकी सीईटी की ऑफिशियल आंसर की आई है और हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? इसका आंसर होगा धौलपुर। बिल्कुल ग्रामीण पूछा इसलिए धौलपुर है गुरु ना। खस व का खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है? भरतपुर और टोंक वन विभाग में। बिल्कुल 100% सर बिल्कुल सही है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष विरोध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन की के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी? बेटा इसका आंसर दे रखा है 3/4। तो आपने बच्चों को पहले ही बताया था सर ना। बिल्कुल ये जैसे मैंने 3/4 ठीक है सर। ये पेपर कौन सा है बेटा? ये पेपर जो सीटी का हुआ है उसकी आज ऑफिशियल आंसर की आई है। ध्यान से देखना, इससे आपके आने वाले हर परीक्षा में कम से कम 10 प्रश्न आएंगे इन चार पेपरों से। राजस्थान के विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराज संग्राम सिंह। ठीक है मैंने बताया था बच्चों को। हाँ बिल्कुल ध्यान सर आपने करवाया था क्वेश्चन, महाराज संग्राम सिंह। आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसे कौन शामिल नहीं होता? इसमें मुख्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बेटा शामिल नहीं होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान राज्य सूचना आयोग आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 64वें का आंसर है सी 25,000 रुपए। आगे चलते हैं 65। देखो राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेटा ये थे आपके कौन सा प्रश्न है 65वें के हैं ए के गोयल। राजस्थान के नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? नियोजन विभाग की राजस्थान में स्थापना हुई थी 1953 में। यार लाइक और शेयर तो कर दो, क्या ऐसे कर लाइक और शेयर करो। देखो आपके लिए कितनी मेहनत करके हम तुरंत कोई चीज होती है और अपडेट लेकर आते हैं। सिर्फ कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। बिल्कुल सही बात है। और हरिशंकर मोड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्माण के विरुद्ध कितने दिनों की द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 60 डेज, 2 महीने बेटा, 2 महीने। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं? राजस्थान के जितनी भी राज्य विश्वविद्यालय हैं जैसे MLSU हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, MDS हो गई, सभी के। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगे? 70 वां क्वेश्चन बताओ किसके समय लगे बेटा इसका आंसर भैरव सिंह शेखावत देखो बेटा जो क्वेश्चन हमें विवादास्पद लग रहे हैं वो आपको बता भी रहे हैं जैसे एक प्रश्न आपको सर ने बताया था निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है यह बेटा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चालू किया जा रहा है। इसमें अंक गणित और आपको बेसिक न्यूमेरेसी बताई जाती है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव पर होते हैं। ठीक है और बाकी सारे नोटों पर RBI के गवर्नर के होते हैं। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 73 का ए है, असंगठित कामगारों का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कामगार है उनका एक बेस बनाना। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? बेटा इसके अध्यक्ष है एनके सिंह साहब। सर आपने बताया था क्वेश्चन जवाब करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल सर आप साथ पे हो। ठीक है राष्ट्रीय कैंसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? बेटा इसका आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न है,
प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? एम विश्वेश्वरिया, बुक्स एंड ऑफर मैंने आपको कई बार करवाया था। निम्न से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, कहां है ये? उच्च उत्पादकता के किस्मों के बीज का निर्माण 77 में बी। बहुआयामी गरीब सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरुआत की? 2010 में शुरुआत की गई है अकॉर्डिंग टू आंसर की। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिणामात्मक विधि है? परिणामात्मक को कहते हैं अंग्रेजी में क्वांटिटेटिव, और इसका आंसर क्या होगा 79 का डी, बैंक दर। आगे बढ़ा, चलिए आगे सब। चलिए अगला प्रश्न। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? 7 जिला। बिल्कुल 7 परफेक्ट, 7 बिल्कुल 7 जिले सही है सर। वर्तमान में राजस्थान के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। महानरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग की कौन सी योजना लागू की गई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, कई दफा आपको समझाया था बेटा। सर इसके तो बोर्ड भी लगे हुए हैं रोडों के ऊपर, राजस्थान वो आ रहा था ना, आप देखते हो कभी बोर्ड के ऊपर देखा करो, मुख्यमंत्री अब शहरों में भी रोजगार। राजस्थान के किस जिले में जियो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेट लाइमस्टोन का विशाल भंडार है मिले? ये आपके आंसर है बी, जैसलमेर। जैसलमेर में मिले सर। सुमेलित करना अदरक प्रिंट सर बता दीजिएगा। सुमेलित करना डायरेक्ट का आंसर है डायरेक्ट सी, ठीक है, याद रखना, अभी ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर। भाई आप मिला लो, अदरक प्रिंट का संबंध किससे है? बाड़मेर से, सीधी सीधी बात है। और बाकी चौथा आते ही आपका आंसर हो जाएगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न सरल होते हैं पर बच्चों के धुजड़ी छूट जाती है। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है? बेटा पर्वन लिफ्ट जयपुर से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जयपुर से नहीं है सर। आगे चलो, भोर पुलिस के द्वारा क्या चलाया जा रहा है ये मैंने आपको बताया था। भोर के अंदर क्या है? जो भिखारी है उनका पुनर्वास, भिक्षुकों का पुनर्वास। मूंगफली का उत्पादन राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली में बेटा दूसरा स्थान है, ठीक है, मूंगफली में दाना नहीं, तू मेरा मामा नहीं, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, ये दूसरा स्थान इसी वर्ष लागू हुआ है, इससे पहले चौथा स्थान का ध्यान रखना, याद रखना अभी दूसरा हुआ है। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था केंद्र राज्य का हिस्सा कितना है? 75-25। बिल्कुल बिल्कुल 75% तो मोदी जी देते हैं और 25% गहलोत साहब देते हैं। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लाखेरी के अंदर, अभी दो दिन पहले ही सर ने मुझे बताया था जब हम लाखेरी गए थे। निम्न से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? बेटा पाली लाभार्थी नहीं है। चलो आगे चले, हाल ही में खबरों के रहा परख, एनर्जी की सहायता से कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? पहला सौर और पवन हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? 93 का आंसर है, ये चारों ही कथन सत्य है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति है, इनका संबंध झुंझुनू से है, राजस्थान से दूसरे उपराष्ट्रपति है, पहले भैरव सिंह शेखावत थे, ये लोकसभा सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थानी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, 94 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 94 का आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। चलो बताओ, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। चलिए आगे, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहार पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, किस कृति के लिए? पचरंग चोला पहन सकी रे, मैंने आपको बताया था 5 रंग का चोला पहनने मेरी सहेली, ठीक है। जिले से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? बेटा इसका आंसर है हैदराबाद 97 का ए। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, ये बेटा 98 का आंसर है डी, ठीक है, लेकिन ये बेटा मुझे गलत लग रही है, ठीक है, इस पे ये आपके रीट के योग्य है क्योंकि अभी हाल ही में आया था उदयपुर के अंदर एमएलएसयू में हो सकती है, तो याद रखना ये 98 प्रश्न बेटा
आपके रीट के योग्य है, ठीक है। और रिसर्च करके हमारी टीम आपको बता देगी। दो प्रश्न हमने बता दिए हैं, चलिए आगे अगला प्रश्न। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्न में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? गाजी खान बंडा। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन थी? निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? ठीक है, इसका आंसर होगा बेटा डी, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। इसके बाद में आपको मिलान करना है, एक बार डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 102 का है सर ए, ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा। 103वां प्रश्न है, एमएस वर्ड 2009 में आपको लास्ट परिवर्तन के पास में जाना हो तो आपको कौन सी की दबानी पड़ती है? 103 में है शिफ्ट के साथ में आपको F5, ठीक है। एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला सही है? ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, 106 का है, ऑप्शन नंबर डी, पावर 2 has 3। NTFS का मतलब है और इसे द्वारा विकसित किया जाता है? NTFC का है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और बेटा ये एप्पल ने विकसित करा है। लाइफ आई के बारे में निम्नलिखित कौन से कथनों पर विचार करें? इसमें क्या ढूंढना है हमें? सत्य ढूंढना है, और 106 में सत्य है डी, यानी कि सेकंड और चौथा ही सत्य है। चलिए, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। बेटा ये तो सर ने आपको बताया था, जैव विविधता, 107वें का आंसर होगा ए, ठीक है, यानी कि भूमध्य जैव विविधता भूमध्य रेखा को की ओर बढ़ती है बिल्कुल बढ़ती है। अल्प विराम के आकार पर जीवाणु कहलाते हैं? बेटा ये जीवाणु जो होते हैं, जो कोमे के आकार के होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? विब्रियो कोलेरा, ठीक है। सर बच्चे का आंसर दो पहले आप एक बार। सर जी क्वेश्चन पेपर ही अलग है? नहीं बेटा, क्वेश्चन पेपर अलग नहीं है, सारी फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्वेश्चन पेपर तो इसलिए अलग है क्योंकि पहले पेपर का अलग अलग आपके एग्जाम में ABCD करके कैटेगरी आई होगी, एक ऑफिशियल आंसर पेपर बनाया उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है बेटा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दो शाखाओं के आने वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि यह शाखा प्रतिरोध 36 ओम, ठीक है, कैलकुलेशन बाद में। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थित रहती है, या आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा उसके अंदर बताया था। कोलम में दिए गए रासायनिक पदार्थ को मिलान करो, 111वें का आंसर है बेटा डी, ठीक है। चलिए उसके बाद में है मीथेन, नाइट ऑक्साइड व हेलॉन्स, कौन और की वजह से ओजोन परत का हास हो रहा है? इसका आंसर है 112 का 3। ये तीनों ही कैसे जिम्मेदार है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलॉन्स, ठीक है। OTE का शाब्दिक अर्थ क्या है? OTEC का मतलब क्या होता है? OTEC का मतलब होता है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, मुझे आता है। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंतर सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बेटा ये ग्रंथि है आपके थाइमस ग्रंथि। 115 का आंसर आपको ढूंढना है, इसमें से सत्य कथन को चुनना था, और 115 का आंसर बी, यानी कि पहला कथन गलत है, बाकी दोनों कथन सही है, ठीक है। चलिए ये गणित के कह रहे हैं, एक कुर्सी के मूल्य पर कोई 20% 10% की छूट देता है, ये आपको सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, 1440, ठीक है। चलिए सर बच्चों का प्रश्न आप बताइए, कौन सा प्रश्न है? यदि शिक्षक को छोड़ दे तो 40 बच्चों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 कम हो जाती है, सिर्फ प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? बेटा इसका आंसर होगा ए, 38 साल, ठीक है। और गणित के साथ तो एक हो अल्लाह ही हो गया, हमारे उमेश सर ने 1.5 महीने तक गणित पढ़ाई और आए कितने सर? 4 क्वेश्चन आए, ठीक है। एक निश्चित राशि में 5 की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है तो राशि क्या है? इसका आंसर होगा बेटा 10,000 रुपए, ठीक है, 118वें का ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया, खत्म, आगे चलो सर। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा जिसमें से एक ने कुल डाले गए मतों में 65% मत प्राप्त किए, 420 मतों में विजय हो गया, यदि कोई मत असामान्य घोषित नहीं किया तो मतों की संख्या 1400 होगी। चलिए यदि ए बी की आय बी की आय से 3-5 गुना है तो सी की आय बी की आय से 6-5 गुना तो सी की आय ए की आय से गुना होगी। दो अनुपात एक, ठीक है। चलिए प्रश्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब चुने, आपको दर्पण को देखना है, दर्पण को देखा तूने जब जब करा श्रृंगार, एक बदनसीब हूं मैं जो तुझे देखा था बार बार। 121वां का आंसर सी होगा सर, ये मुझे गाना सुना था मैंने, अच्छा लगा आपको?
धन्यवाद सर। गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन इसके अंदर। ये एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, आपको अलग से व्याख्या करवा दी जाएगी, अभी सिर्फ जल्दी देख लेते हैं, केवल पहला कथन अनुसरण करता है। निम्न कौन सा एक आर्य पेड़ के सागौन और सेलामेडर के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? इसका बेटा ये ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पेड़ और सागवान एक जैसे हैं, लेकिन सेलामेंडर अलग है। ठीक है, आगे चलिए। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न वाचक चिन्ह दिया है, के स्थान पर संबंधित अक्षर को चुनिए। WSQ राहुल, ये देखिए ये बहुत बड़ा है। राहुल दिशा से चलता है और घूमते फिरते फिरते राहुल कहां पहुंच जाता है? 125वें का आंसर है बेटा सी, 10 मीटर। चलिए अगला प्रश्न। किसी सांकेतिक भाषा में अभी सर इसका अर्थ ये है, तो विक्ट्री का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, UJBUSNH। ठीक है, अभी सिर्फ आपको आंसर की बता रहे हैं, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा चार पेपर है, इसलिए आप ये मत सोचना कि अभी ये पूरी व्याख्या घड़ी होगी। ए बी की बहन है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनमें माँ बहन एक होती है। इसका 127वें का प्रश्न क्या होगा सर? आंसर पत्री। ठीक है, याद रखना, ऐसे रिश्ते वाले प्रश्न बहुत आते हैं सर। हाँ, रक्त संबंध की क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर काफी जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। रिलेशन वाले 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाई ओर से 4 स्थान सरकाया गया, अब वह बाई ओर से 12वें स्थान पर है, पंक्ति में दाई ओर से उसका पूर्व स्थान क्या था? आंसर होगा बेटा 14। ठीक है, दी गई विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको ढूंढनी है। 129 में गलत है, ऑप्शन नंबर डी 260। इसमें कितने त्रिभुज है? त्रिभुज किसको कहते हैं? तीन भुजाओं वाली चीजों को। ए 16 त्रिभुज है बेटा। ठीक है, चलिए आगे। ये आपके संधि है, आयादि स्वर संधि की दृष्टि से सम्मिलित की है, विकल्प का चयन कीजिए। 131वें भी विधेय प्लस अक विधायक नहीं होता है। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? संघर्षहीन। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है भरत वाक्य। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों ही प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए 135 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उसे परम सत्ता पर विश्वास है। किस विकल्प में क्या एलोकेशन शब्द का परिभाषिक शब्द सही है? ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? 137वें भी अंधविश्वास। विलोम शब्द की दृष्टि संगत विकल्प चयन कीजिए। 138 में आप आंसर डालिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर करिए 139वें का क्या होगा? 139वें का होगा बेटा सी, माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया। निम्न में से कौन सा संज्ञा के निर्मित पर विशेषण नहीं है? चिंतन नहीं है बेटा। चलिए, अंग्रेजी के ये पूरा पैसेज है, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 141वें का आंसर है ए। ठीक है बेटा, 141वें का आंसर है ए। ठीक है, उसके बाद में 142वां जो प्रश्न था आपके, द एनोटिम ऑफ वर्ल्ड क्यूरियोसिटी, इसका आंसर है बी, एपैथी। ठीक है, उसके बाद में 143वें का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, 144वां आपको हिंदी ट्रांसलेशन देखना होगा, मॉम कुड यू पुट माई बुक इन साइड द बैग, इसका आंसर होगा कि माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो? ठीक है, उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटर राइटिंग, बेटा इसका आंसर होगा 145वें का सी, यानी कि केवल और केवल तीसरा कथन ही करेक्ट है। 146वें का आंसर क्या होगा? गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट टू ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, इसको कहते हैं बेटा शोल। ठीक है, 146वें का ए। ठीक है, चलिए उसके बाद में सर जी मेरे तो हिंदी में 9 क्वेश्चन सही है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। 147वें का आंसर क्या होगा? 147वें का आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक। ठीक है, सिक यानी कि बीमार। 148वें का आंसर क्या होगा? 148वें का आंसर होगा बी, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक। ठीक है, उसके बाद में बेटा 149वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आर्टिकल यूज करना था, पहले द आएगा फिर ए आएगा, और यहां पर 50वां था करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर द मेड मी लाफ, इसको पैसिव वॉइस में बदलना था, इसका आंसर होगा आई वाज मेड टू लाफ। ठीक है, तो ये बेटा ये सर 7 जनवरी की पहली शिफ्ट का हमने पेपर करा दिया है। अब आप बच्चों से बात करिए जब तक मैं दूसरी शिफ्ट का पेपर लाता हूँ। बिल्कुल बच्चों, देखिएगा ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्जामों में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हो सकता है कि आज का जो अपन पेपर कर रहे हैं
चार पेपर मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 150 के हिसाब से 600 क्वेश्चन हो गए सर। 600 में से अगर 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। और लेवल पता चलता है किस प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा सिस्टम रहता है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को दो चीज़ें देखने के लिए मिलेगी मेरे प्यारे से विद्यार्थी हो। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, लास्ट तक बने रहे और आंसर यहाँ पर जरूर जाने आप लोग, प्रत्येक का आंसर किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग अपना पेपर अगर आपने दिया है तो मिला सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इससे पता चल जाएगा कि आप कितने नंबर कवर कर रहे हो, माइनस मार्किंग थी नहीं, आप अदर एग्जामों के लिए यूजेबल हो कि नहीं हो, इनविजिबल हो कि नहीं हो, कहीं पता चलेगी। आप तो पेपर दे ही नहीं सकते अगला, पर नंबर कम आ रहे हैं, तो ये सब चीजें आप लोगों को आज जानकारी मिल सकती है। तो भैया अगला सोचेंगे, चलिए इस प्रश्न, पहले प्रश्न का आंसर होगा नहीं रहे क्वेश्चन, सारे आ रहे बेटा, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं रहा। चलो आगे बढ़े सर। चलिए तो शाम की शिफ्ट का करते हैं। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश शासन साम्राज्य में विलीन हुआ? इसका आंसर होगा बेटा 131 बी का, पहले का आंसर डी 1856। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा दूसरे का ऑप्शन नंबर डी, जोरावर सिंह बरेली जैन। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर 1947 में किसके द्वारा की थी? इसका आंसर भी डी होगा, शांता त्रिवेदी। जमुना लाल बजाज ने स्थापना की थी? चौथे का आंसर होगा ए, जयपुर प्रजामंडल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था बेटा। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग साहब थे। चलिए आगे। खेड़ा किसान आंदोलन किस नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? बेटा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर का पहला जनरल आपके उर्दू में हुआ था। चलिए बताइए इस प्रश्न का 90 का आंसर। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये सर आपने करवाया था पेपर के। निम्न में से किसने प्रयोग में एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ? ये बेटा 10वें का हुआ था, बी एस मालाबारी। इसके अंदर उम्र फिक्स हुई थी शादी की, ठीक है। चलिए आगे। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? आउआ, देखो ये लगातार दूसरे प्रश्न में रिपीट हो गया, इसीलिए कहते हैं कि पुराने पेपर का फायदा होता है। अली चौहान डायनेक्स, अली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन थे? 12वें का आंसर होगा बी, गरीबदानी, बी है दशरथ शर्मा। मेवात क्षेत्र में अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे? इसका आंसर होगा लालदास। इजलास खास का गठन किया था? 14वें का आंसर होगा सी, महाराजा सज्जन सिंह। सम्मिलित करना हस्तशिल्प उत्पादन स्थानों को? 15वें का आंसर सीधा बता रहे हैं यहाँ पर ए होगा, ठीक है, बाद में मिलान कर लीजिएगा। 16वें का, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? बेटा ये चंद्रसेन जी ने नहीं करी थी, ये मैंने आपको बताया भी था, इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अगला, सीताराम लालदास का संबंध रहा? इनका संबंध रहा राजस्थानी शब्द को, इन्होंने बेटा डिक्शनरी बताया था, ठीक है। चलिए, जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी कौन है? जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है बेटा स्वांगिया माता। बूंदी रियासत में अंतिम अधिकारी शासक कौन थे? महाराव राजा ईश्वरी सिंह, 19वें का डी, नहीं 19वें का बी, महाराव राजा बहादुर सिंह। बहुत लोगों ने अर्जुन जोशी पत्रकारिता व जन संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 20वें प्रश्न का आंसर है ये बेटा, जयपुर के अंदर है। बेंगती गांव फलौदी के किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? इनका है आपके हड़बू जी का। गुरुद्वारा बुद्ध जोहर राजस्थान किस जिले में अवस्थित है? ये है श्रीगंगानगर। भीलों द्वारा लकड़ी के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी की चित्र क्या कहलाता है? आंसर है डी, भराडी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रथम द्वार पानन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? ये बना हुआ है रावत बाघ सिंह का, 24वें का डी। यहाँ पर आपको फिर से सम्मिलित करना है सूचियों को आपस में, और ये सम्मिलित होगा बेटा 25वें का ए, ठीक है, ए होगा इसका आंसर, क्या होगा ए। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायक में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में आया जाता है? जंतर जंतर। चलिए अगला प्रश्न सर। राजस्थान वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाटक किया जाता है, इसको कहते हैं टूटिया, बहुत शानदार होता है प्रदीप सर। अरे गुरु जी बिल्कुल, मुझे याद आया कि महिलाएं पीपा हो जाती है, पीपा भाई साहब, इसके अंदर बड़े बड़े शानदार शानदार कृत्य होते हैं, छुप छुप के देखने में बड़ा मजा आता है। सन 1907 में
चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? गोपाल दास जी ने बेटा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। सर मुझे लग रहा है कि एकमात्र जगदीश प्रसाद ऐसा स्टूडेंट है जो सारे क्वेश्चनों के लिए डेडिकेट है, और बाकी कहाँ चले गए? फटाफट से थंब के निशान बनाकर भेजो जो बच्चे प्रसाद जुड़े हुए हैं। देखो आपके लिए क्वेश्चन है ही, हम ये कर रहे हैं और आप लोग नहीं देख रहे हो, थोड़ा सा दिल तोड़ने वाला बात है बेटा, ऐसे मत करो। कवि चाहे कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन सा प्रसिद्ध था? सावंत सिंह। जयदयाल सोनी और चेत्रानाम संबंधित है? तीसरे प्रश्न का आंसर होगा ए, तुर्रा गणंगी ख्याल। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत का है बेटा 31वें का डी, बलू पोट्री। निम्न से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है 32वें का सी, सामेरे का युद्ध 1562 में नहीं हुआ था। निम्न से किस पुरातात्विक स्थल में यूनानी शासक मिनाडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? मिनांडर की मूर्तियां प्राप्त हुई है 33वें का सी, विराट से। फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है 34वें का आंसर है ईश्वरदास नागर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की? महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने। पंजाब के मैदानी इलाकों में 500 पीछे हटने लग जाता है कम? मध्य सितंबर में। भारत का प्रधान देशांतरी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरता? तमिलनाडु से नहीं गुजरता, इसकी ट्रिक सर ने बताई थी आपको। आगे चलो, चलिए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 38वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा डी, बारदोली छिलाड़ी। बारदोली का संबंध असम से है सर। कौन सा क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? कोयला। 40वें का बी, बोकारो के पास में। कोयले की बात हो रही भाई। निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक सही सुमेलित नहीं है? 40वें का चाय, गुजरात। गुजरात में नहीं, ये तो सारे कच्चे करके आए थे, मुझे अच्छा सा पता। ये तो सबने करा होगा, ये भी देखा। चाय के शौकीन बहुत है सर जयपुर में। कैलाश आगरा, सॉरी कैलाश संघा किसका हिस्सा है? ये बेटा ट्रांस हिमालय का है। बिल्कुल, क्या चार है यहाँ पर। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा। चलो बताओ, सुंदरी और मैग्रोव वन पाए जाते हैं? सुंदरी और मैग्रोव वन पाए जाते हैं ज्वारी। मध्य प्रदेश में बालघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में जाने जाते हैं? मैग्नीज। निम्न में से कौन सा झील राज्य सुमेलित नहीं है? पुलिकट कर्नाटक में नहीं है, पुलिकट शायद केरल। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 21.31। निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर संभावित जिले में नहीं है? इसका आंसर क्या होगा 47 का, ऑप्शन नंबर बी, कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर में नहीं है। निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन दिशा समानांतरित विकल्प होते हैं? सीफ। ओ लो भाई है, बालू का स्तूप प्रचलित पवन सीफ, इस पे भी मामला गड़बड़ हो सकता है सर। चलिए, ये एक और प्रश्न आपको रेटियोग के बता दिया। देखो जो जो प्रश्न रेटियोग के हैं वो भी बता रहे हैं, और ये सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है? हम पूरी टीम आपके सामने आएगी, आपको बताएंगे कि यहाँ यहाँ आप रेट लगा सकते हो। चलिए अगला प्रश्न, काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन में हेतु जाने जाते हैं? इसका आंसर करा है बी, पन्ना। पन्ना बिल्कुल, उदयपुर में सर काला गुमान। अच्छा, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रकार क्रेटर स्थित है? क्रेटर कहाँ है? रामगढ़ बारा के अंदर। बिल्कुल, रामगढ़ बारा गोला का। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, केसर बाग उदयपुर। केसर बाग उदयपुर में सर, धौलपुर में ही है। ओके। कोपेर की जलवायु के वर्ग जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु में शामिल है? BSHW। बी बिल्कुल सही है सर। निम्न राजस्थान के निम्नलिखित पवन चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना था इनको? हाँ, मतलब बढ़ते से घटते हुए, ज्यादा से कम, घटता क्रम, ठीक है? ज्यादा से कम। आंसर होता है 53वें का बी। बी बिल्कुल, सज्जनगढ़, फिर रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़ और फिर लीलागढ़। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य से 60 ज्यादा वर्षा हुई थी? ये आंसर किसी ने सही नहीं करा होगा चूरू में। हाँ, सोचा ही नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे से आया था सर प्रश्न। बिल्कुल, अल्फी सोल्स मर्दा पाई जाती है? ए, ए जयपुर, दौसा, अलवर। निम्न में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? इसका आंसर करना है बी, उदयपुर। बिल्कुल, उदयपुर में सर, आपको उदयपुर तो बहुत फेमस है। दोहोल ये लोग किस फसल के उत्पन्न उत्तम किस्म है? चना, 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 चना। आगे चलिए सर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में अनुसूचित जनजाति
जिले की कुल जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। नागौर और चूरू एसटी जनसंख्या बहुत कम है, एससी ज्यादा है ना। निम्न में नहीं, एससी जयपुर में सर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादन है? इसका आंसर होगा अजमेर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अधोरित नदी का उदाहरण है? अत्यारोपित नदी का उदाहरण है बनास। बिल्कुल बनास है अध्यारोपित। चलिए अगले प्रश्न का आंसर 61वें का। सर इसमें बनास के लेकर थोड़ा सा नहीं, चलो देखते हैं। कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। दोनों ही कथन सही है। राजस्थान के महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन के अनुसार राजस्थान अस्तित्व में आया। जीसी कासनीवाल पहले महाधिवक्ता बने। दोनों ही कथन सही है। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? ये प्रश्न कई बार बताया था आपको, 6 महीने। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सशस्त्र विद्रोह 42वें संविधान द्वारा जोड़ा नहीं गया बल्कि हटाया गया था। अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या दिया गया? अटल जी का नाम बदलकर राजीव जी कर दिया, ये तो सरकारें करती रहती है। वर्तमान में राज्य उत्तम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या? राजस्थान उच्च न्यायालय की संख्या है 50। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रों के विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहा के उच्च न्यायाधीश थे, ठीक है। जस्टिस पंकज मित्तल भाई साहब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है। 67वें का डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो बताओ निम्न से युग में राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या चुनिए। मेघालय में 50 नहीं है, ठीक है। मेघालय में 50। निम्न से कौन सा कथन गलत है? गलत है 69 में आंसर है डी, ठीक है। भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नहीं है। भाग 7 तो बेटा हटा दिया गया है संविधान। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? कॉमन सिविल कोड, कई बार आपको बताया है आर्टिकल 44। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा था 71 में 1957 के अंदर 1957। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार क्या है? राष्ट्रीय आय लेखा का 2005-06 से बदलकर 11-12 कर दिया। किसने करा? सीएसओ ने। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल अवधारणा थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी विकास। निम्न में से कौन सा एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? इसका है ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप पैसा, जैसे ही प्रश्न आए आपने सिगरेट पी तुरंत पेमेंट करो। आय की असमानता को मापा जाता है भाई साहब, इसका आंसर क्या होगा? 75वें का सी, ठीक है। 1, 2, 4 यानी कि गरीबी रेखा से नहीं नापा जाएगा। निम्न में पीली क्रांति संबंधित नहीं है? पीली क्रांति चना चने से संबंधित नहीं होगी। पीला का मतलब क्या होता है? तेल। सर सभी निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? एग्रीकल्चर पर टैक्स सबसे पहले लगाया था बिहार ने। निम्न में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बेटा इसका आंसर होगा 78 का ए, 3 और 4 लग्जरी और मनोरंजन, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कुछ पिक्चर आती है तो बहुत सारे राज्य पिक्चरों से टैक्स हटा देते हैं। निम्न में से किस ई कॉमर्स के 3 चरणों में नहीं माना जाता? 79 में ऑप्शन नंबर बी संरक्षण या प्रिजर्वेशन को इसमें नहीं माना जाता। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की और राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 21-22 से 25-26 तक आपको 41% ही रखनी है। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 7-8। चलिए अगले प्रश्न पर आ दीजिए। 42वां प्रश्न निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिएगा यहाँ पर। 42वें का आंसर है सी, ठीक है। याद रखना और ये पहले से मिला हुआ है, याद रखना पहले से मिला हुआ है। बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल सेम है सर, डीडवाना में फिर उसके बाद में कंटिन्यू सब ऐसे कैसे दिया हुआ है इसमें। चलिए 83वें में आते हैं। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण कब लागू हुआ? 2022 18 दिसंबर 2019 को लागू हुआ। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादन जिलों का सही युग में, ठीक है, अलवर जयपुर। बिल्कुल सर, राजस्थान में ये सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार कीमतों पर कितना अनुपात है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा इकोनॉमिक सर्वे से दिया है 28.85। राजस्थान के जल जीवन मिशन योजना में से केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता 96 में है 50-50% मोदी 50% गहलोत। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हॉस्पिटल नीति की जारी की गई? इसी वर्ष की गई।
इंडस्ट्रियल पार्क रैंकिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान के कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्ज किया गया है? 88 का आंसर है बेटा 17 पार्कों को। सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है इसमें, याद रखना मानसी वाकल डूंगर नहीं, इसके 89 के अंदर है, मानसी वाकल डूंगरपुर में नहीं है, उदयपुर से सर ये आपके ना। जी जी, साबरमती की सहायक नदियां जरिए बिल्कुल बिल्कुल सर। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, नब्बे का सी है, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। केंद्रीय क्या कर रहे थे, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बहुत अच्छे इंसान है, ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? एमपी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म GFTE का उद्घाटन किया? 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे। वर्ष 2022-23 के लिए निम्न में से कौन से देश का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा? राजस्थान में के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युम्न सिंह। राजस्थान के बजट 2021-22 राजीव गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? 50,000 रुपए। ठीक है, याद रखना बेटा, इंदिरा गांधी के नाम पर जितनी भी योजनाएं चल रही है सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी देखते हैं। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, ये मैंने बजट में आपको पढ़ाया था, इसके अंदर आप जैविक उद्यान या बायोलॉजिकल पार्क के अंदर वन्य जीव को गोद ले सकते हो। प्लेनेट डी यात्रा सूची में द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ, ये बेटा मैंने आपको बताया था दुनिया का सबसे शानदार रोमांस करने वाला शहर है सर हमारा उदयपुर। कभी आइए हमारे शहर में, आपको जिससे मिलने आए हो उससे नहीं बल्कि हमारे शहर से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना उदयपुर होगा इसका आंसर। सर हमारे को जयपुर से भी आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया? राजस्थान। ये निम्नलिखित में से कौन से जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया? और सर पता है गोरी को क्यों दिया गया? गोरी कैलीग्राफी की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मतलब गोरी की राइटिंग इतनी अच्छी है कि सर आपकी और मेरी तो क्या बोले, अच्छी है मेरी, हमारे उमेश सर जैसी राइटिंग है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी का आय चक्रवाती तूफान का नाम था? आसानी। चलो बताओ अगला। एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशक में पद की परिभाषा के बाद में, ठीक है, अब कंप्यूटर के प्रश्न थोड़े जल्दी जल्दी करवाएंगे। ठीक है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है? इसका आंसर होगा 102 का सी, प्रोटोकॉल। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को खालिस्तान में तथा प्रिंट गति को खालिस्तान में मापा जाता है? 103 का सी, डॉट्स पर इंच और पेजेस पर मिनट। ठीक है, चलिए आगे। MS Word के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? सेल B3 में होंगे। 104 बताया सर मैंने। 104वें का आंसर होगा बेटा, याद रखना, हेड एंड फुटर। और 105वें का आंसर होगा, B4 सेल में है तो आप B5 में होंगे। हाँ, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किसमें किया जाता है? 106 का डी, ये एंटी फ्रीज होता है, इसके अंदर है ना कोई भी चीज जमती नहीं है। ठीक है, याद रखना। बिच्छू डंक के कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 107 में आंसर, याद रखना, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, याद रखना, आगे चलो। इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, खाता बहुत डेंजरस सर ये। सर ये मैथ वाले क्वेश्चन को तो एसिटिक लगा दो। ये आपके मैथ का नहीं है सर, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 208.7 जूल। अगला क्वेश्चन लगा दो। ये है आपके इम्यूनो सप्रेसेंट, ये एक अंग को फैलने से रोकता है, साइक्लोस्पोरिन। युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़कू है? ये भाई साहब भारत के पास आ गया है, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, पाकिस्तान को घर में घुस के रैप्टर मारेगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए, लवण की पहचान कीजिए, और ये कौन सा सॉल्ट होगा? तो 111 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH42SO4। चलिए उसके बाद आपको सम्मिलित करना भाई साहब। 112 का आंसर क्या होगा? 112 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना, मिला बाद में लेना।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भाई साहब 113 का आंसर क्या है, 113 का आंसर इन्होंने करा है ई कोलाई। और जहां तक मुझे लग रहा है जो मैंने अपनी पढ़ाई करी है, राइबोजियम होना चाहिए, यानी कि ये प्रश्न भी आपके रिट के योग्य है। रिसर्च करके हम आपको और बता देंगे। चलिए आगे प्रश्न, ओजोन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। 114 में डी, ओजोन का निम्न स्तर वायुमंडलीय प्रदूषक है। बिल्कुल, ये धरती होती है तो पोल्यूटेंट होती है, बाहर होती है तो रक्षक होती है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। 3.10H2O। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों, हाँ ये डाइट बताओ। डायरेक्ट आंसर है कि इसमें पुरुष से ज्यादा महिलाएं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये याद रखना 1116 में महिलाएं कितनी होगी इस कस्बे के अंदर, 1000। चार संख्या दी गई, चार संख्या दी गई है 117 में, इसका आंसर होगा 16। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 36:25 है, तो इसमें परिमाप का अनुपात होगा। ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा 118 में। ए, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। पानी में प्रतिबिंब बनाओ गुरु जी इनका। भाई साहब ये देखिए, चेहरा क्या देखती हो, दिल में उतर कर देखो, पानी में उतर कर देखो, तो 119 का प्रतिबिंब होगा। ये तो थोड़ा सा इस प्रश्न को पता है कैसे करना चाहिए, आपको पेपर को मोड़ देना चाहिए, जिसमें ये पूरा मुड़ जाए वो आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए अगला करिए, यदि 9+7=58 और 3+11=124, तो 13+5=38 होगा। सरल ब्याज में एक राशि 4 वर्ष में इतनी और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा, 800 रुपए होगा भाई साहब। यदि राशि 3550 वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा सर, इस प्रश्न का आंसर होगा 1750। ठीक है, सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि बहुत सारे पेपर करवाने हमें। निम्न चित्रों में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंधों की सही प्रकार की प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि ये सब आपस में संबंधित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बताओ सर आकृति, बताओ आकृतियां बतानी है कि भैया इसके बाद में कौन सी आएगी, इसके बाद में आएगी डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, लुप्त पद ध्यान करना है, लुप्त क्या होगा, 125 का सी, 8C। चलिए, अनीता भावेश की पत्नी है, चंचल अनीता की बहन है, दिनेश चंचल का बाप है, रमेश दिनेश का छोरा है, तो रमेश और भावेश का संबंध क्या होगा भाई साहब, साड़ा होगा, साड़ा। ठीक है, चलिए भाई, अंकुर सर बड़े नफरत करते हैं इस मामले से, है ना, इन रिश्तों से डरते हैं, इस रिश्ते से बहुत ज्यादा। 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं, तो ई डी ई के दाई ओर है, बी ई के बाई ओर है, तो ए दाई ओर है, सर बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा डी। याद रखना ऐसे प्रश्नों में कई बार आपको पता लग जाता है ए आंसर होता है, लेकिन जल्दी जल्दी में आप ए कर देते हैं, लेकिन ए कहां पर है, ए डी पर है। ठीक है, माइनस के स्थान पर क्या आएगा, रिक्त स्थान पर क्या आएगा भाई साहब, इसके स्थान पर आएगा 13। मैं माइनस पढ़ ले सर। चलिए, एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छे झगड़ालू बातूनी उबाऊ होते हैं। 130 का बेटा सी, ना तो एक और ना दो, दोनों का ही कोई मतलब नहीं है। किसी कूट भाषा में जी ओ डी गॉड शब्द का कूट 78 है, तो ग्रेट शब्द का कूट 255 है, तो शब्द गिफ्ट का कूट क्या होगा, 168 होगा भाई साहब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 131। सर संधि विषय संगत विकल्प का चयन करना सर, संगत मतलब सही, मात्र उपदेश मात्र उपदेश। ठीक है, असंगत विकल्प चुनिए, 132 में बेटा सी आंसर होगा। ठीक है, जिसके जिसका पालन दूसरे से दूसरे ने किया हो, जिसका पालन दूसरों ने किया हो वो परिवृत होता है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ऑप्शन बी, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। कौन सा शब्द कर्मधारय समाज का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, ये आपका आत्म तममग्न। किसी के समर्थ किसी के कथन को उद्धृत करते समय विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, याद रखना अवतरण चिन्ह को। ठीक है, कूलर का फूल बुहारे का अर्थ होता है, कूलर का फूल का अर्थ होता है न दिखाई पड़ना। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, इसमें डी, वह आया और मैं गया। अशुद्ध शब्दों का चयन युग्म है, शुद्ध शब्दों का, सॉरी अशुद्ध शब्दों का युग्म है, निष्ठानन और मैथिली शरण। किस विकल्प के निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें डी, आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा। ठीक है, चलिए अब थोड़े अंग्रेजी के प्रश्न आ जाते हैं 141, और अंग्रेजी के आते ही सर हमें क्या करते हैं,
तुरंत पकड़ा देते हैं बेटा। 141वें प्रश्न का आंसर होगा इनडिफरेंट, ठीक है इनडिफरेंट। 142वां का क्या है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सेम काउंटेनेंस, इसका आंसर होगा बेटा 142 का डी, इम्प्लीफाई इम्प्लाइज, ठीक है। 143 इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर आर बिंग द गाइडेड, ये आपके पैसेज के अंदर से ही आंसर देना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कई बच्चों जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए वरदान होता है, बाकियों को तो भैया दूर से ही, बाकी तो ये सोचते हैं पेपर ही अपना 140 का होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको ट्रांसलेट करना था, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, 144 का ऑप्शन नंबर सी, माई फादर बॉट मी ए पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद में 145 आपको थंडर का मतलब ढूंढना था, इसका आंसर होता है टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग विच सम एल्स डिड, ठीक है, किसी और ने कहा करा उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, सब्स्टिट्यूट बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, 146वें का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, सब्सिस्टेंस, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड इफ यूज, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इमेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद में सेंटेंस है और आर्टिकल है आपको मिलाना है, अच्छा प्रश्न है, 148 का सी है, ठीक है बेटा याद रखना 148 का सी है, ठीक है चलिए चलिए ठीक है। उसके बाद में बेटा 149वां प्रश्न आता है जिसके अंदर आपको क्या है यहाँ पर चूज द गिवन ऑप्शन, इसके आंसर ऑप्शन डी है। और अंतिम जो प्रश्न है जिसके अंदर आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, रवि सेट आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो, इसका आंसर क्या होगा, रवि इन्फॉर्म्ड दैट ही वुड ब्रिंग द बुक द नेक्स्ट डे, ठीक है। चलिए टुमारो को द नेक्स्ट डे बदलते हैं, ये बेटा आपको बताया गया है। तो इस तरीके से हमने 7 तारीख के पहली शिफ्ट के दोनों पेपर देख चुके हैं, अब 8 तारीख यानी कि अगले दिन के भी दोनों शिफ्ट के पेपर बता रहे हैं। और विश्वास कीजिए आज के इस सेशन में जो उन बच्चों को तो फायदा होगा जो अपने आंसर देख रहे हैं, जो आगे की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी लाभप्रद होगा। क्यों सर, मैं पेपर निकालता हूँ, आप बच्चों से बात करिए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि लाभप्रद होगा, इसीलिए अपन ये मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में कि हाँ कहीं ना कहीं कोई भी कहीं ना कहीं से मिले जरूर, और वो कम मिलेगा जब अपन कुछ करेंगे। ध्यान रखना बेटा, हाथ पे हाथ करके बैठ रहने से कुछ नहीं होता, किसी सफलताओं को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है भाई, किस्मत भी उनका साथ देती है जो कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ पेपर सॉल्व कर रहे हो, अच्छा लग रहा आप लोगों को देखकर, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फटाफट से तमगा निशान बनाकर भेजेंगे यार, पता तो चले कि कौन कौन से स्टूडेंट हमारे साथ पेपर को शेयर कर रहे हैं, फटाफट से एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं थमगा निशान बनाकर भेजेंगे हमारी तरफ जल्दी से, है ना। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और अपने क्वेश्चनों को मिलाते रहिएगा और पता कीजिएगा, और हमें बताइएगा जैसे पहली पे दूसरी पारी में कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए हैं, एक बार वो भी हमें जरूर बताइएगा। प्रेजेंट सर, चलिए अच्छा जी, बढ़िया। जगदीश प्रसाद रे ये है, बहुत बढ़िया बच्चा है हमारा, बहुत प्यारा बच्चा है सर, शुरू सात से अभी तक बना हुआ है। चलिए पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से संबंधित नहीं है। नीचे कथन दिए गए हैं, एक को अभी कथन ए व दूसरे कथन आर कहा गया है, ये दोनों ही कथन सही है और दोनों सही व्याख्या करते हैं। 1857 क्रांति के दबा को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजी को सिंधे सहायता दी, ठीक है ये दी थी बेटा आपके तीसरे के एस सरदार सिंह ने, ठीक है सरदार सिंह अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। चलिए अगला प्रश्न, देखो बच्चे जुड़े हैं सर, सामोद जुड़ा है हमारे साथ, पर मेहनत तो एक ही कर रहा है, जगदीश को ही लग रही है, सुमन जुड़ी हुई है हमारे साथ में, बहुत बढ़िया बेटा जगदीश जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते तो किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया, इसका आंसर होगा किशोरी देवी, चौथे का सी। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन से एक नेता थे, पांचवें का आंसर है किशन लाल जोशी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था, ये कराया था छठे का आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 में हुई, बाल मुकुंद मिश्रा। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था, मार्ले मिंटो का सुधार का उद्देश्य क्या था, 9वें प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी कि 1 2 3, ठीक है 1 2 3 नहीं, 8वें प्रश्न का आंसर बेटा क्या है, सी है, सॉरी इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल, और यही से पाकिस्तान का एक तरीके से जन्म हुआ था। जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक सागरमन गोपा गुरुजी को जिंदा जला दिया था,
चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से बेटा दसवें का सी है, ठीक है, 1905 का बंगाल विभाजन। संत हरिदास संप्रदाय संस्थापक थे? 11वें का सी, निरंजनी। निम्न में से कौन मान गायिका के सिद्ध हस्त नहीं है? गुलाबो नहीं है। तानना और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति से प्रचलित है? ये बेटा गरासिया के अंदर होते हैं ये दोनों शादियां। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए, ये क्या हो गया, इतना छोटा कैसे हो गया, ठीक है। चौथे का आंसर बताइए, निम्न में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? ये विराट के अंदर मिले हैं, जो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर विराट नगर। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? लोक कला मंदिर बेटा उदयपुर के अंदर है। बेलरी कृष्ण रुक्मणी जी की रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के, ये अकबर के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज राठौर इनका नाम था। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थानी किस हस्तकला से है? इनका संबंध है ब्लू पॉटरी से। राजस्थानी पहली जनजाति बाल हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? ये बेटा मैंने आपको बताया था, बार बार बताया था, ये उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में भी कहाँ पर, महाराणा प्रताप खेल गांव। कर्नल टोट के अनुसार मीणाओं के मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? मीणाओं का मूल स्थान कौन सा था बताइए बेटा, 19वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली को परतमाना। काड़ोली के शिव मंदिर बड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मेरकुल। इलाना देनी आपनी हालरिया कुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। 21वें का आंसर है बी, वीर सत्सई के अंदर है, ठीक है। आज भी भारत के अंदर राजपूत जब जाता है युद्ध के अंदर तो इसी प्रकार का काम करता है, ठीक है। चलिए एक बच्चे ने हमारे को बहुत सारे दिन भेजे हैं, उनका नाम हम देखते हैं, निर्मल कुमार। चलिए क्या बात है, 82 क्वेश्चन सही है, एससी कैंडिडेट हूं, चांस है क्या बेटा, फुल चांस है, लग जा तू अगले पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सम्मिलित कर रहा है, 22वें का आंसर बेटा बी है, ठीक है, एक ये आपका बी है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पशु मेला सम्मिलित नहीं है? 23वें का सी, शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि सवाई माधोपुर, ठीक है, में नहीं है। चलिए आगे, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? राम भट्ट ने रखा था भाई साहब। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान में नरसिंह के नाम से कवि दुर्लभ जी प्रसिद्ध है। कनफटे योगी के डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवता के गीत गाते हैं? 27वें का ए, चीन पाटा, जीन माता। इनके नाम पे सबसे बड़ा लोकगीत भी है पूरे राजस्थान के अंदर। मेवाड़ राज्य में घराने में अंत्येष्टि स्थल का काम क्या है? अंत्येष्टि स्थल को मेवाड़ में क्या कहा जाता है? महासत्य भी कहते हैं। निम्न में से राजपूताना किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बेटा बयाना में करा था। निम्न में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सम्मिलित नहीं है? ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? 30वें के अंदर सी, तुर्रा कलंगी मारवाड़ के अंदर नहीं है। ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं? 91वें का आंसर है बेटा सी, सी क्या है, कानों में। महाराणा प्रताप ने चावन को अपनी राजधानी कब बनाया था? ये 1585 में बनाया था। आबानी तथा राजौरगढ़ में कलात्मक वैभव किस काल में संबंधित है? 33वें का आंसर है ए, गुजर प्रतिहार। हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? हमीरहट किसने लिखा था? ये लिखा था ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर ने। निम्नलिखित युग्मों से उनमें से आगे जाने वाले पहले से आखिर तक चताने हैं। 35वें का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2134, ठीक है। चलिए आगे बताइए, प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली? प्रथम उदय बेटा चली है बेंगलोर से कोयम्बटूर, ठीक है। ये देखने लायक क्वेश्चन है, एक बार नहीं, ये उदय बेटा, उदय उत्कृष्ट डबल डेकर, ठीक है, ये डबल डेकर पहली जो चली थी ये सर सही है, मैंने चेक करा है, ठीक है। वो आप कंफ्यूज हो रहे हो उससे, क्या नाम है इसका, या वहां पर ये आ रहा था, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन के से संबंधित? मलाज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 37वें का बी, तांबा। तांबे से बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य कोयला के क्षेत्र संबंधित है? 39वें का आंसर कौन सा है? ओडिशा सलंबर, बिल्कुल। भारत में कॉफी उत्पादन राज्य में घटता हुआ क्रम कौन सा है? 40वें का आंसर है सी, सबसे ज्यादा है कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। बेलनाथ पक्षी अभयारण्य कहां पर है? 41वें का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी
औद्योगिक आर्द्र भूमिया है। वेटलैंड कितने हैं बेटा इसमें है 42वें बी 75 ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा देख सर बेटे। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तमिलनाडु। 44वें का आंसर होगा ठीक है ए तमिलनाडु। गुजरात है 44वें का ए दे रखा है परंतु हमारे हिसाब से तमिलनाडु होना चाहिए ठीक है। इसको हम एक बार आपको चेक करके बताएंगे है ना सर। इसमें तमिलनाडु होना चाहिए परंतु ऑफिशियल आंसर इन्हें गुजरात बता रखा है ठीक है। तो ये एक प्रश्न बेटा आपके रेट के योग्य है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल किस पे योजना है 45वें का ए चिनाब। चिनाब पे रातानाड़ा हवाई अड्डा सेवाएं उपलब्ध कराता है? जोधपुर। जोधपुर को जनगणना 2011 में राजस्थान किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था? ये था बी धौलपुर। एक पहले भी क्या था बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? ये ऑप्शन नंबर डी 1996 होगा सर। इसमें ये भी थोड़ा 48वें का अंदर ये ऑफिशियल आंसर की मैं 1999 दे रखा है पर हमें लग रहा है 96 यानी कि इस एक प्रश्न पर भी विवाद हो सकता है। जल उपता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के द्वितीय स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बनास। बिल्कुल सर। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के अधिक वन पाए जाते हैं? सागवान 50वें के अंदर सी है ए सही है आर गलत है यानी कि सागवान अधिक सर्दी और पाला को सहन नहीं कर पाता। राजस्थान के किस भाग में एंटी सोल मृदा पाई जाती है? एंटी सोल पश्चिमी मृदा में पाई पश्चिमी भाग में पाई जाती है वेस्टर्न में। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? 52वें का है डी रॉक फॉस्फेट बरोडिया में नहीं है। झामर कोटला उदयपुर आएगा सर इसमें ना। झामर कोटला अकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में है? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर है 53वें का ए जैसलमेर। गिरेल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी थुम्बली गांव। ये कहां पर पड़ता है सर बाड़मेर के अंदर। कोपे ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा AW ठीक है। 55वें के अंदर आंसर इन्होंने दे रखा है डी AW सही है। राजस्थान किस वर्ष में कत्था बनाया जाता है? कत्था किस में निकाला जाता है? निम्न में से कौन सा नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? वात्रक बांसवाड़ा। आगे चलो सर। चलिए 58वें के प्रश्न के अंदर राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है? हाड़ौती पठार। हाड़ौती जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले? जयपुर जोधपुर अलवर नागौर। ए ऑप्शन आएगा। इन्होंने ए दे रखा है। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? बाड़मेर के अंदर। विधानसभा चुनाव राजस्थान में राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया? 61वें का सी 1967 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता? देखो ये नहीं को नहीं पढ़ते तो जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता राज्यपाल। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 63वें के अंदर सी ठीक है। पैसा अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू होती है। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्व मंडल 1949 में। पशुओं की गणना भी यही करवाता है। चलिए आगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष की चिन्हित कीजिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे? सैयद सगीर अहमद ठीक है। 65वें का आंसर सी। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 66वें का है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान के सभी कैबिनेट मंत्री है मैंने बताया भी था आपको। निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है 67 के अंदर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा इन्होंने नहीं कहा था ये कहा था रजनी कोठारी। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख स्वयं मानसिंह द्वारा खालिस्तान में किया गया? 29 अगस्त 1949। निम्न में से कौन सा राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था? सुभाष चंद्र जी निर्वाचित नहीं हुए थे जी न्यूज के मालिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोग है युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है 270वें का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी 243ZC ये जिला योजना समिति नहीं है। मानव गरीबी सूचकांक वचन को संग्रह सूचकांक के रूप में जो मापता है इसमें आता है लॉन्गेविटी नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दीर्घायु ज्ञान और जीवन स्तर। योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से योजना आयोग की जगह मोदी जी ने क्या कर दिया नीति आयोग। माल और सेवा कर नेटवर्क GST के संबंध में क्या आंसर है? इसका आंसर है सी पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और सेवाओं से संबंधित नहीं है? 74वें का बी फूड प्रोसेसिंग ये मैंने बताया था कई कोचिंग वालों ने कटाई बताया था पर मैंने कहा था
फूड प्रोसेसिंग एक इंडस्ट्रियल वर्क है, नॉट ए प्राइमरी वर्क है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य प्रमुख फसलों का उत्पादन वृद्धि करना, जो चावल गेहूं दाल, ठीक है, इसमें याद रखना चावल और गेहूं ही है एनसीईआरटी में, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें दाल भी सर जोड़ दिया गया। बिल्कुल सही, दाल आएगा सर इसमें। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किए? भारत में सबसे ज्यादा अमेरिका ने, भारत ने अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचा है। जनगणना 2011 भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल। केरल, केरल। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किस विचार कीजिए? 78 का डी, ठीक है, तीसरा और चौथा। चलिए, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? राजकोषीय नीति इसमें दे रखा है वित्त मंत्रालय के द्वारा। जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी पहचान नंबर के संदर्भ में सत्यरथन नहीं है, 80वें का डी, यह 16 अंकों का अक्षर और कोड नहीं होता। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई? 2020 में घोषित की गई थी। HPCL और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये बेटा RS के अंदर आया हुआ प्रश्न है, और इसमें 74% तो HPCL का आएगा और 26% राजस्थान का। काफी बार आ गया सर ये क्वेश्चन एग्जाम में, बार बार प्रश्न आया हुआ है। पंचायती राज किस स्तर पर एक साथी का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मनोदय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? ग्राम पंचायत लेवल पर होता है। भूजल प्रबंधन के लिए हेली बॉन्ड सर्वेक्षण तकनीक का प्रभाव राजस्थान किस जिले में किया गया? जोधपुर में किया गया। राजस्थान में मक्का की खेती प्रमुख जिले है? मक्का की खेती के प्रमुख चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़, बांसवाड़ा, बूंदी। राजस्थान में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाता जाएगा? खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? 86 का आंसर भी जयपुर के अंदर। निम्न में से किसे प्रवण वृहत योजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? 87 का बी है, झालावाड़ बारा कोटा के 637, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र की स्थित कीमतों का सकल राज्य मूल्य वर्धन 26.34%। राजस्थान में उत्सव भोजन भोज योजना संबंधित है? ये बेटा है 89 के अंदर है डी, इसके अंदर क्या होता है मिड डे मील योजना, जैसे आपका जन्मदिन हो, आपकी प्रेमिका का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, तो आप स्कूलों के अंदर खाना खिलाओ आराम से। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 में राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार निम्न से किस सम्मानित किया गया? बतुल बेगम को किया गया था। पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं को कौन सा? इन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया था। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन निम्न से कौन सा देश प्रस्तावित है? भारत। मई 2022 में त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? मणिक साहा। जनवरी 2022 को केंद्रीय सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ, बेटा ये वीडियो के अंदर भी आया था ये प्रश्न, और ये दो तीन एग्जाम में आ गया, इसका आंसर होगा प्रतापगढ़। युवा मामले में खेल मंत्रालय वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरद कमल को, खिलाड़ी है अचंता शरद कमल। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 इंडेक्स, हम 107वें नंबर पर भूखे हैं, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल की जुलाई 2022 में यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 98 का डी, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे, 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस की मेजबानी निम्न से कौन सा शहर करेगा? टोक्यो करेगा बेटा। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है, जिनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? देखो रामसर का प्रश्न दो तीन बार आ गया, इसमें ही है सर, इसमें दोनों बार, इसमें पहले दूसरे की, इसी में ही दूसरी बार आ गया। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद ही नहीं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 102 का आंसर है ए, डिजिटाइजर एक आउटपुट नहीं होता बेटा, इनपुट यूनिट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए 103वें में है, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। चलिए आगा, MS Excel में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड होगा? 104वें के अंदर बी होगा, यानी कि आप कंट्रोल के साथ एक दबाना पड़ेगा। द्वितीय जनरेशन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनको आपके बेटा 1959 से 65 तक कराया गया था, ठीक है। निम्न में से सत्य कतरों का समूह चुनाव कीजिए,
ये आपके साइंस का प्रश्न है 106 का आंसर होगा ए, ठीक है, पहला और दूसरा होगा, ठीक है। टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कतरों को पढ़े, 107वें आंसर है बी, दोनों ही कथन गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 200 मीटर लंबे तांबे के तार के प्रतिरोध 21 ओम है, यदि इसको मोटाई व्यास, खालिस्तान भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि जो जिससे वापस हम ले सकते हैं, ठीक है, ये होता है चीनी का पानी में घुलना, नहीं ये गलत दे दिया इन्होंने, ठीक है, चीनी पानी में घुलती है वो फिर से पानी को चीनी में नहीं जा सकते, इसमें मेरे हिसाब से मोमबत्ती का जलना होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम से कौन सा जिम्मेदार है, रेनिन, रेनिन, दूध को बचाने के लिए हमें रेनिन चाहिए भाई साहब। एपिस फ्लोरिया निम्न में से किससे संबंधित है, एपिस फ्लोरिया 111 में ए, मधुमक्खी से। निम्न में से कौन सा एक पशुओं के वायरल रोग है, 112 का आंसर हो जाएगा ए, नीली जीवा रोग। सम्मिलित करो भैया, सम्मिलित करो, ये चार बम है और इनको किसने बनाए हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर है इसके अंदर, 113 का सी है, ठीक है, ये आपको डिटेल में बाद में बता दिए जाएंगे, चिंता की कतई आवश्यकता नहीं है। 114 जिंक के कारण सोडियम, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अगर अपन मिलाए तो इससे क्या बनता है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। प्रकाश संश्लेषण रूप में सक्रिय विकिरण कप के लिए कितना प्रतिशत पौधों का ग्रहण किया जाता है, 2 से 10%। अब मैथमेटिक्स आ गई है, यदि सोहन दो बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ प्राप्त करता है तो दूसरी 10% हानि भुगतता है, निम्न से कौन सा कथन सत्य है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं और ऐसे में हानि ही होती है। 320 तथा 350 के मध्य संबंधित समसंख्याओं का औसत है, ठीक है, 117 का आंसर क्या होगा, 117 का आंसर होगा बेटा ए ऑप्शन 335। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, यदि विकर्ण की माप 25 मीटर हो तो मैदान का परिमाप है, ठीक है, ये होगा 70 मीटर। चलिए आगे, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो 25 सालों में है ना मूलधन के बराबर हो जाएगा, यदि एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है तो वाई की जेड की आय से 20 कम, तो इनमें एक्स वाई जेड की अनुपातिक आय होगी 22:20:25। एक निश्चित कूट भाषा में 4479 का अर्थ, फ्रूट इज स्वीट है, ठीक है, उसके बाद में 248 का वेरी स्वीट वॉइस, 637 का ईट फ्रूट डेली, ये एलिमिनेशन मेथड से होता है, इसका अंतर इज का मतलब क्या होगा, तो 121 के अंदर इज का मतलब होगा बेटा नो, ठीक है। पासे की दो स्थितियां है, 5 के विपरीत क्या आएगा इसके अंदर, तो 122 के अंदर 5 से 5 के विपरीत आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 के विपरीत 2 आएगा, ठीक है। त्रिभुज कितने गुरुजी, त्रिभुज का प्रश्न लगातार दूसरी बार आया है सर, है ना, 123 के बी में 15, ठीक है। चलिए उसके बाद में ए 10 मीटर आगे चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर। बच्चों एक बार शेयर करो, देखो आपको पूरा पेपर सोल्व करवा रहे हैं। चलिए 125 के अंदर क्या है, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं तो लास्ट में बी के दाई और कौन बैठेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी बैठेगा भाई साहब, ठीक है। जी सी को टीएसआर, एफ एच जी को पी क्यू लिखा जाता है, तो आई के एम को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी NML। उमंग ने उमा को कहा तुम मेरी माता की पोत्री की पत्नी हो, उमंग उमा की क्या कहेगी, तो उमंग और उमा का रिश्ता क्या कहलाता है बेटा, ये होगा ससुर जी, ससुरा यही है इसका। अंकुर सर बड़े घबराते हैं, चलो यहाँ एक कथन के पश्चात 2 तर्क 1 2 दिए हैं, आपको सिद्ध करना है कौन सा कथन तर्क मजबूत है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड तर्क ही मजबूत है, ठीक है, पहला कोई मजबूत नहीं है, ठीक है। श्रेणी का अगला पद क्या है, 129 का 2 12 36 80 152। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, तो 121, ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी भाई साहब। अब हिंदी आ गया, किस विकल्प शब्द, किस विकल्प के शब्द 2 से अधिक उपसर्गों से निर्मित है, ऑप्शन नंबर सी दुर्दव्यास्य। संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए, इसका आंसर होगा डी अधःपतन। सम्मिलित कीजिए, इनको सम्मिलित करिए, 133वें के अंदर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 134 में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य है बेटा ऑप्शन नंबर बी, थोड़े समय बाद छात्र
वापस लौट आए। किस विकल्प से सभी, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? ये तो मुझे भी याद है, धनंजय अर्जुन को कहते हैं, पार्थ अर्जुन को कहते हैं, कुंती का पुत्र होने के कारण इसको कौंतेय कहते हैं। समाज विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। इसका आंसर होगा लाजवाब, जवाब के साथ। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? 137वें का आंसर होगा सी, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत। किस विकल्प के उचित विलोम युग में का प्रयोग हुआ है? 138वें का बी, कर्कश मधुर। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभूमि के लिए मरना नहीं। 139वें का आंसर क्या है? सी, वह घर अभी बना है। अच्छा अच्छा अच्छा, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। चलिए अब अंग्रेजी के प्रश्न मुझे ही करवाने होंगे। सर मेरे 148 बन रहे हैं EWS में, तो क्या करूं, तैयारी करूं? अरे बेटा 148 बन रहे हैं तो भैया मिठाई बांटो, 100% ही सिलेक्शन के चांसेज है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अंग्रेजी के प्रश्न एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 141वां प्रश्न है जिसके अंदर आपका आंसर होगा ए, अर्थ लोफ, ठीक है। 142वां प्रश्न है जिसमें वेरी डिजायरेबल का मतलब आपको ढूंढना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। 143 का मतलब होगा शेमफुली को इस पैसेज के अंदर क्या बताया गया है, अनएबेस्डली, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में आपके 144वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटैक ऑल आउट, ठीक है। चलिए उसके बाद में है शुडोयनम इन रेटर राइटिंग क्या होता है, तो बेटा ये होता है फिक्सीशियस नेम, ठीक है, 145 का सी। चलिए 146वां प्रश्न क्या है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, द फ्यू फ्रेंड्स है ही हैज आर सिंसियर, ठीक है, कुछ फ्रेंड ही थे उसके जो सिंसियर थे। उसके बाद में आपको प्रीपोजिशन लगाने हैं और 147वें में ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद में आपको खाली स्थान की पूर्ति करनी है 148 में, इसका आंसर होगा कार्ड ऑफ, ठीक है, कार्ड ऑफ 148 में बी। उसके बाद में आपको अंग्रेजी का ट्रांसलेट करना था, मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूं, इसका आंसर होगा सी, आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न है जिसके अंदर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था, आशीन सेड शेल आई इवर विन ए गोल्ड मेडल, तो इसके अंदर क्या है, आशीन वंडर्ड इफ ही वुड इवर विन ए गोल्ड मेडल, 150 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने 3 पेपर सोल्व कर लिए हैं पिछले लगभग 1.5 घंटे से आप हमारे साथ में हो। एक पेपर और बचा हुआ है जो भी हम आपको सोल्व करा देते हैं तुरंत, जब तक आपसे प्रदीप सर अपने दिल की बात करते हैं। दिल की या फिर दिमाग की बातें चल रही है सर, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, लगातार अपने क्वेश्चनों को मिला रहे हैं, जिसका जो पेपर है बिल्कुल मिलाइए, और दूसरा अगर नहीं भी है तो क्वेश्चन जरूर देखिए, क्यों सर? बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। यहाँ पर सुमित्रा ओबीसी फीमेल में 87 सही हो जाना चाहिए, 87 80 तक पूरी संभावना है, 80 तक पूरी संभावना है, क्योंकि बच्चों के लगभग जो टारगेट है वो 80 से लेकर 110 110 तक बैठ रहा है सिस्टम। बाकी बोलने वाले बच्चे तो काफी बोल रहे हैं, पर अभी इसको मिलाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या सीन होने वाला है बच्चों का, है ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करवाओ, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अंतिम पेपर। सबसे पहला, महारानी विक्टोरिया ने स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से दी गई घटनाओं कौन सा कालक्रम सही है? बिल्कुल, पहले बंगाल का विभाजन हुआ था, फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, फिर लखनऊ समझौता हुआ था। बंगाल का विभाजन सूची सुमेलित करनी है, सूची को सुमेलित करना है, तीसरे के अंदर बी होगा, ठीक है, मिलान बाद में करना है। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? चौथे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। अलवर के शासक में समय नीमूचणा कांड हुआ? नीमूचणा कांड हुआ था बेटा पांचवे का डी, जयसिंह के समय। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये उदयपुर में हुआ था। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? किशोरी देवी ने। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? 8वें का सी, मोतीलाल तेजावत के। मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कौन से संबंधित थे? सर इलाहाबाद से संबंधित थे। चलिए आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्न में से किस संस्था से संबंधित है?
प्रार्थना सभा से। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासन ने ब्लू पॉटरी संरक्षण दिया? जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड। पृथ्वीराज की 12 खम्भों की छतरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ में। किस किले में है? कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति 13वें का आंसर सी उदयपुर। चलो सर आगे सही है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामायण राम नारायण तथा सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? 14वें का आंसर लगाइए सी सारंगी से बजाते थे। जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? ठीक है ये बेटा आपको पूरी की पूरी एक ट्रिक बताई गई थी। 15वें का आंसर होगा इन्होंने आगरा के अंदर नहीं बनाई। बाकी रूपायण संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायण संस्थान है बोरुंदा के अंदर। ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर की आधुनिक पहचान है? जालौर। अधोलिखित लोक देवताओं मुख्य तीर्थ में से सम्मिलित कर दो असंगत है सॉरी असंगत कौन सा है? 18वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तल्लीनाथ जी कतरिया से बीकानेर में नहीं है। निम्न में से किस एक किले में घोड़वाड़ी बोली बोले सॉरी जिले में घोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? जालौर में बोली जाती है। आग पे रोटी लगी हुई है तो देखने में तो काफी देर से देख रहा हूँ। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एवं क्राफ्ट की स्थापना की थी? पिछले का भी राम सिंह सेकंड ये रिपीट हुआ है प्रश्न। राजस्थान की किस चित्र शैली को नारियों की शिकार करते हुए दर्शाया गया है? नारियों को ने शिकार करा था 121 के सी कोटा में। निम्न में से किसे भूदान और कूप दान कार्यक्रमों के उतनी ही सक्रिय भागीदारी का कारण भारत सरकार 1956 में पद्म विभूषण सम्मानित किया? बूंदी स्थित रंग महल जो कि सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया? इस प्रश्न का आंसर भी आपके सी ही होगा राव छत्रसाल। साहित्य व साहित्यकार के युग में कौन असंगत चाटिए? राजवल्लभ महाराणा कुंभा नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? इसका संबंध है बेटा आपके 25वें प्रश्न का आंसर है बी स्वांग करते हैं ये ठीक है बहुरूपिया है। ग्रास्य जनजाति में मोर बांधिया रीति रिवाज किस अवसर पर से जुड़ा हुआ है? ये शादी से संबंधित है विवाह से संबंधित। मुगल सम्राट शाहजहां के समय के से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? भीलवाड़ा में एक जगह है मांडल बहुत शानदार डांस होता है सर। मेहरानगढ़ दुर्ग से स्थित चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी? 29वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए शंभू सिंह। देखो सर फिर से आया शिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है वो प्रश्न इसीलिए कहते हैं कि पूरा देखो एक ही एग्जाम में रिपीट हो गए 5-7 प्रश्न। अगर आप सोचो ज्यादा प्रश्न आप इनको बार बार सोल्व करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा करौली के अंदर ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है 31वें का आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा 31वें का बेटा ऑप्शन नंबर सी गुड़दा श्रावण शुक्ल तृतीया। भारतीय प्राचीन लिपि का लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं? ऑप्शन नंबर डी गौरीशंकर हीरासंदर ओझा जी। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजोबाई का संबंध बेटा याद रखना चरणदासी संप्रदाय से है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? 34वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी वागड़ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को कहते हैं शिखर झुंझुनू को तो शेखावटी कहते हैं। श्रीलाल जोशी का संबंध था? श्रीलाल जोशी फड़ चित्रकला से संबंधित है। सूची विद्युत संयंत्र और राज्यों को मिलाना गुरु जी मिलाओ 36वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग के सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? सोशल फॉरेस्ट्री का बेटा 1976 के अंदर करा था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक होती है तो प्रचंड सूखे की स्थिति होती है? 50% से कम। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? ठीक है बताइए 39वें के अंदर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट है। उसके रबर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? रबर कहां से होती है 40वें का आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। पर हाल ही में आंकड़ों में कर्नाटक भी दिया हुआ है देख कर लेना बेटा एक बार चेक कर लेना रीट के योग्य लगा देते हैं ठीक है। कर्नाटक भी आंसर आ रहा है। जिन जिन प्रश्नों में विवाद है उनको आपको सोल्व कराएंगे चिंता मत करना। आपको ये भी बताएंगे अमन को अमन ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है? एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है चावल से संबंधित है। बेरन और नारकोडम ज्वालामुखी है सर? बेरन नारकोडम ज्वालामुखी है। कितना सरल प्रश्न देते हैं। मेघालय का पठार सर्वोच्च शिखर है? मेघालय का पठार सर्वोच्च शिलांग 43वें का डी शिलांग।
सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-966B 44 का आंसर डी दे रखा है इन्होंने, 348। चेक कर लेना बेटा एक बार इसको, इस प्रश्न को भी हमें चेक करना होगा। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से संबंधित है? रिफ्ट घाटी से संबंधित है 45 का ए नर्मदा। कोपे ने जलवायु वर्गीकरण अनुसार राजस्थान किस जिले में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? 86 का सी बाड़मेर जालौर और जोधपुर। बिल्कुल सही है सर। चलिए शामपुरा और भाट नहर संबंधित है? शामपुरा और भाट नहर संबंधित है जैसलम झील से। बिल्कुल सही है सर। राजस्थान किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है? 48 का सी बीकानेर। बीकानेर बिल्कुल सही है। टोंक जिले की जनकपुरा व कुशालपुरा खाने किस खनिज गार्नेट के लिए सर? गार्नेट के लिए। पूर्वी पश्चिमी गलियारा राजस्थान में निम्न किस जिले में नहीं गुजरता? झालावाड़ में नहीं गुजरता। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? ये मेरे हिसाब से इसका आंसर झालावाड़ होना चाहिए और झालावाड़ ही है। मक्का राजस्थानी किस जनजाति मुख्य भोजन है? मक्का किस जनजाति का मुख्य भोजन है? भील जनजाति का। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से जमाइए? ठीक है, इसका आंसर है सी 1-4-3-2। ठीक है, सीधी सी बात है, श्रीगंगानगर दे रखा है तो फिर ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है झुंझुनू में स्थित नहीं है? गोगेलाव नहीं है। राजस्थान का बाघ्या पट्टी की समस्या ग्रसित है? निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं होती? सोयाबीन नहीं होती भाई साहब। ओह, असत्य बताओ उर्जी इनको। असत्य बताना है 57। डी राजस्थान को 14 नहीं 10 10 में बांटा गया है, हिंदुस्तान को 15 में बांटा गया है। चलिए 58 भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई फुहारा सिंचाई अनिवार्य किया गया? नर्मदा नहर परियोजना। जनगणना 2011 में राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? 8888888। अरावली पर्वतमाला संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसके अंदर डी है, पहला और दूसरा। कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ था, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही है। ठीक है, सबसे बुढ़ी पर्वत है अरावली। ठीक है, हिमालय। भारत में भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद का आकार को सीमित करता है? 91वें संविधान संशोधन 2003 15%। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? कमना बेनीवाल सचिन पायलट, दोनों अशोक गहलोत के समय ही मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर कितने रुपए लिए? पहले पेपर में भी आया था, पहली शिफ्ट में और वापस रिपीट हुआ, 25,000 रुपए। निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? शारदा भार्गव थी। कौन सा संविधान संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है? 103वां संशोधन EWS से संबंधित है। राजस्थान स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। निम्न में से कौन सा युग में राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सहित नहीं है? राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, राम नाईक कोई और राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य कलराज मिश्र, ठीक है याद रखना, कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए। राजस्थान के राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? खुद मुख्यमंत्री साहब होते हैं। कथनों को पढ़िए भैया, पढ़िए और इसमें बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो 69 के अंदर है, दोनों ही कथन सही है। RTI एक्ट का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता उत्तरदायित्व लाना है, अरुणा राय ने इसका नेतृत्व करा था। दोनों ही कथन क्या है बेटा, सही है। अगला प्रश्न, संसद राज्य सूची के विषय में किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, राज्यसभा अगर चाहे तो कानून बना सकती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? PC महालनोबिस, NCERT लेवल। लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विशेष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी है? इन्वेस्टमेंट को बेटा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। भारत में कृषि आयात की गणना की जाती है? एग्रीकल्चर इनकम की गणना आगत यानी कि इनपुट में नहीं, इसे नहीं करके आउटपुट मेथड से की जाती है, निर्गत से की जाती है। भारतीय गणना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। ये 75वें के अंदर लखनऊ। निम्न से कौन सा मौद्रिक नीति का लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? 75वें के आंसर केवल डी, सिर्फ और सिर्फ RBI। ठीक है,
बाकी सब तो प्राइवेट बैंक है। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई? 77 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंतनगरी, बिल्कुल विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन 2004 में हुआ था बेटा। निम्न में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? ए बागवानी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से हुआ था। राजस्थानी सब्जी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है? सब्जी उत्कृष्ट केंद्र बूंदी में हुआ है। राजस्थान की अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था? अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था 82वें सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान में 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसंगित अनुदान राशि जिलेवार ही मिले हुए हैं। सही, पहले से मिला हुआ है। जिला परिषद को 5%, पंचायत को 20% और ग्राम पंचायत को 75%। राजस्थान में विश्वोत्तरीय 2006 में निम्न में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? ठीक है, शहरी सड़कें नहीं है। ठीक है, क्योंकि गांवों से सिंचाई परियोजना संबंधित नहीं है। बेतली अपन ने पढ़ा था भैया, कहां के सी के सी इंदिरा गांधी स्वयंमाधोपुर आएगा सर? हां, ये स्वयंमाधोपुर आएगा जो कि गंगानगर दे रखा है। वो लिफ्ट है ना, इसलिए वो लिफ्ट नहीं, वो इंदिरा गांधी नहर है, वो लिफ्ट है और ये इंदिरा गांधी। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सबल योजना कब प्रारंभ की गई? ये 86 का आंसर है, 2021 डी। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है? इंदिरा शक्ति उड़ान योजना के अंदर सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है। 87 का ए, कई बार मैंने आपको बताया, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। और कितना सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं? 12 सैनिटरी नैपकिन महीने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? डेगाना। टंगस्टन का डेगाना राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है? ठीक है, 12 रुपए प्रति किलो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की संख्या है? बी मतलब क्या हो गया? 7, क्योंकि सर दो निर्माणाधीन है, अभी काम चल रहा है उनका, बच्चे नो करके आए काफी सारे, नो करके आए हैं, पर जैसा सर बता रहे हैं दो में निर्माणाधीन है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी की मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई? ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 91 के अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, TERI। ठीक है, हाल ही सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान को दौरा किया? हसीना ने करा था, हसीना। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पद प्राप्त किया? 93 का ए, लक्ष्य सेन। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित थे? ये इकोनॉमिक्स से हैं भाई साहब, अर्थशास्त्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा महिला एवं बाल संरक्षण बाल कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष है? ठीक है, 95 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनीता पटेल। अनीता पटेल। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ये एमपी के लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा। निम्न में से भारतीय किन शहरों में 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रूप में मान्यता दी गई है? सिटी ऑफ वर्ल्ड के लिए ये करी थी कि कितना भी संकट आया, इन दो में गरीबों को कभी खाना मतलब कमी नहीं हुआ, मुंबई और हैदराबाद। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस IIT संस्था के साथ स्वदेशी हाइपर लूप बनाने की बात कही है? ये बेटा आपके IIT मद्रास है। ई मित्र एक होम योजना निम्न से किस जिले में जिलों के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया? जयपुर, जोधपुर। कॉमनवेल्थ गेम 2026 मेजबान कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा विक्टोरिया, जो कि कहां पर है? प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहां पाई जाती है? कंप्यूटर का प्रश्न है, 101 का दूसरा मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। निम्न से कौन सा एक साउंड फाइल कॉर्पोरेट है? साउंड फाइल फॉर्मेट है 102 का बेटा, सी WAV फाइल। ठीक है, निम्न से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? 103 का आंसर होगा सी, MS वर्ड 2019 फॉर्मेट से संदर्भ में निम्न में से कतरों पर विचार कीजिए। सुपरवेयर फॉर्मेट जिन्हें को कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाकर देखा जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक अनुसूचित युग्म है? अनुचित युग्म है 104 का बेटा आंसर था आपके ए, और 105 का आंसर है डी। ठीक है, दोनों ही गलत है, 105 का डी, 132 क्वांटम प्रिंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एलिफेटियासिस किसके कारण होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है सर? हाथी के जैसा पांव फूल जाता है, एक बीमारी होती है। 106 का आंसर होगा, ये फाइलेरिया वॉर्म्स के कारण होता है। निम्न में से कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है?
107 का आंसर है आईआर, इंफ्रारेड किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण, रिरेडिएशन ऑफ आईआर बाय CO2 एंड H2O। आप बोलो बोलो। चलिए, लोरिक एसिड किसमें होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए किया जाता है। ठीक है, 108 का आंसर क्या होता है, नारियल तेल। ठीक है, तेल लगाकर नारियल का मॉइस्चर किया जाता है। चलिए, 109वां प्रश्न है, कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा एक है, यह है ऑप्शन नंबर सी पॉलीसेकेराइड। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा है भैया बता दो, रासायनिक का है 110 का आंसर होगा ए, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। विक्रम एस क्या है, विक्रम एस क्या है भाई साहब, ये है भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट। ठीक है, निजी रॉकेट, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के रेनिंग एंड क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे ज्यादा, मतलब ये क्या होता है सर, अलग से पिक्चरों के अंदर है ना, अचानक से बारिश होती है ना, जुड़ी भी खप्पा, तो उसके लिए यूज किया जाता है सिल्वर। एक बात बताऊं, अंकुर सर के पास हर चीज के उदाहरण है जिसमें गाने तो अनलिमिटेड इनके पास उदाहरण है, पता नहीं कितने गाने सुने इन्होंने, कौन कौन से, पृथ्वी सतह पृथ्वी सतह पर भूस्थित उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितने, 36,000 किलोमीटर, जियो स्टेशनरी वेब 3.0 बृहस्पति और मंगल के बीच में है। कितने सूक्ष्म ग्रह, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती व्यास में आपको समय निकालना है, 116वां का आंसर है सी 1.5 साल। 7 संख्याओं का औसत 39 है, इसमें 3 संख्याओं का औसत 27 है, बची हुई 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, 170वें का आंसर होगा 48। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है सुधीर और संजय की वर्तमान आयु इतनी है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, तो सुधीर की आयु कितनी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 साल। कितनी हो जाएगी बेटा, 20 साल। एक समबाहु त्रिभुज और आयत के परिमाप का योग इतना है, तो इसमें आयत की लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। 119 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 27 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 12 है, संख्या में 36 जुड़ा जाता है तो संख्या बंद बन जाती है, संख्या बराबर है 120 का, याद रखना ऑप्शन डी 26। देखो सर, बैक टू बैक मैथ्स के 4 ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जिन्होंने पेपर सॉल्यूशन करा होगा उनके फायदा होगा। देखिए चौथे पेपर में लगातार कितने त्रिभुज आए हैं। ठीक है, तो 121 का आंसर कितना होगा बेटा, डी। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें 16 त्रिभुज है। चलिए उसके बाद 2 निष्कर्ष वाले दे रखे हैं 122 के अंदर, केवल और केवल 2 निष्कर्ष सही है। लड़कों की एक संख्या एक ही पंक्ति में खड़ी है, इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से 33वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, 123 का आंसर होगा 65। दोनों तरफ से 33वां है, यानी कि ये एक तरीके से सेंटर पॉइंट के अंदर है। ठीक है, याद रखना। और बच्चों आगे चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 124 के अंदर, अज्ञात संख्या आपको ज्ञात करनी है, अज्ञात संख्या कितनी होगी, 184। ठीक है, चलिए, यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाए, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाए, इसी क्रम में दिशा बने, तो दक्षिण दिशा क्या होगी, 125 के अंदर होगा ए उत्तर पूर्व। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है बेटा, चलिए 126 में साउंड को ABCSQ लिखा है, मिनरल को QRSTUVW लिखा है, तो रीडर को क्या लिखा जाएगा, UTVDTU। ठीक है, UTVDTU। चलिए 127 के अंदर, नो सर, एक और प्रतिबिंब का आंसर आ गया। ठीक है, 127 के अंदर बी होगा, देखो बेटा। ठीक है, प्रतिबिंब, पानी में प्रतिबिंब अलग होता है, दर्पण में प्रतिबिंब अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये आपको इनका रिश्ता दिखाना है, डॉक्टर का महेश से क्या संबंध है, इस तरीके के ब्लड रिलेशन के प्रश्न आते हैं। 128 का डी है चाचा, चाचा, चाचा। चलिए 129 के अंदर क्या है, अगला पद क्या है, तो याद रखना इसके अंदर 129 के अंदर अगला पद होगा 531। ठीक है, 531। ठीक है, चलिए 130वां है, घन की सतह को लाल रंग से रंगा जाए, तो इसमें क्या आएगा बेटा, 54। चलिए हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं, सर बताइए हिंदी के प्रश्नों को, लीजिए सर।
असंगत विकल्प चुनिए। तो 131वें में ए सो कुमार दो उपसर्ग से नहीं बना है, एक ही उपसर्ग से बना है। संधि विच्छेद असंगत है। असंगत है बताओ सर। ज्योतिष चक्र ज्योति ही प्लस चक्र सबसे अलग स्थित उक्त अर्थ में बोधक लोकोक्ति है। अलग स्थिति 133 तीन लोक से मथुरा न्यारी भाड़ में जाए दुनियादारी। अशुद्ध शब्द समूह से विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा तदोपरांत निराभिमान अभिशप्ता और आर्जवता। समाज विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चाहिए चुनिए। चक्षुषवा वह जो चक्षुओं से देखता है। अरण्य का पर्यायवाची ठीक है। अरण्य को बोलते हैं जंगल और जंगल को ही बोलते हैं कानन ठीक है। बताइए निम्न में से कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। ये पत्र समासिक और अलंकारिक नहीं। कार्यालय में लिखना है वहां पे क्या समास क्या अलंकार। सीधी बात कहो कि भैया मेरा ये काम कर दो वरना ऐसे की तैसी। असंगत विलोम युग का चयन कीजिए। इसके अंदर क्या होगा 138 में बेटा ऑप्शन नंबर बी अधम महान आज्ञा अनुज्ञा। राजा सेवक के सम राजा सेवक को करता नहीं कर्म को 139वें में ए संप्रदान है। चलिए ये सर आपको बताएंगे कंटेंप्ट के लिए पर्यायवाची शब्द क्या परिभाषिक शब्द क्या होगा। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट आपने सुना होगा यानी कि न्यायालय की अवमानना ए आंसर ठीक है। चलिए अब अंग्रेजी के प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। ये पैसेज आया है इस पैसेज के थ्रू आप 141वें का आंसर होगा सी मोबिलाइज सॉरी 141वें का आंसर होगा सी यानी कि वाज एंटरलाइज्ड। 142वें का आंसर होगा बेटा बी डिस्पाइट। 143वें का आंसर होगा स्टेबिलाइजेशन का अपोजिट आपको ढूंढना है तो इसका होगा रिफॉर्म। उसके बाद में 144 है कि सुगर इज गुड फॉर हेल्थ ठीक है। तो याद रखना सुगर के अंदर कोई आर्टिकल नहीं होता। रुको यार ठीक है 144वें। उसके बाद में 145वां आंसर होगा आपके स्पेंट लेविस्नी बी आंसर हो जाएगा। 146वां है फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस इसका है ट्रंकेबिल ठीक है। चलिए उसके बाद में 147वां है आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना है। जॉन सेड आई वेटेड फॉर लीजा टिन 10 o'clock लीजा का इंतजार करा है जॉन ने ठीक है। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो इसका आंसर होगा जॉन सेड डेट ही वेटेड लीजा टिन 10 o'clock ठीक है। चलिए 148वें के अंदर क्या है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। यहाँ पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड दे रखा है इसका आंसर होगा एक ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपको यहाँ पर द चाइल्ड रिक्तस्थान फॉर द लास्ट 1 hour ठीक है। तो बच्चा सो रहा है पिछले 1 घंटे से हैज बीन स्लीपिंग और यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड माई नेम इंटरव्यूअर ने मेरा नाम पूछा है तो इसका आंसर होगा आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय द इंटरव्यूअर ठीक है। तो चलिए बच्चों इस तरीके से हमने चारों पेपर आपको करा दिए हैं। अगर आपने पिछले 2 घंटे से जो हमारी क्लास चल रही है उसको सीरियसली लिया है तो निश्चित रूप से आप बाकियों से श्रेष्ठ होंगे उत्तम होंगे अच्छे नंबर प्राप्त करता होंगे। चलिए प्रदीप सर आपको लास्ट में शुभकामना देंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों ये चीज आप लोगों के लिए काफी कारगर साबित होगी। चलो कल से फिर वही टाइमिंग रहेगा हमारी क्वेश्चन सेशन का जहां पर हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे करंट अफेयर्स पॉलिटिकल साथ में ज्योग्राफी के क्वेश्चनों के साथ बने रहिएगा। क्लास 24 आप लोग राजस्थान मस्त रहो बिंदास रहो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ रहो। धन्यवाद।